फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पेरोल मैनेजमेंट इन टैली प्राइम। टैली प्राइम के अंदर इम्प्लाइज के पेमेंट को मैनेज करना। इस वीडियो में, जो कि पहला वीडियो है पेरोल सीरीज का, इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कंपनी बनाने के बाद आप कैसे पेरोल प्रोसेस को एक्टिव कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे आप इम्प्लाई ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, और फिर सीखेंगे कि कैसे आप इम्प्लाईज को बना सकते हैं। आने वाले सीरीज में हम लोग और भी ऑप्शंस सीखेंगे, तो बिना समय गवाए हम लोग चलिए चलते हैं टैली प्राइम के स्क्रीन पे। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टैली प्राइम खोल के रखा है। मैं यहाँ से क्रिएट कंपनी को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया, अभी देखो यहाँ पे कंपनी का क्रिएशन विंडो खुल गया। यहाँ पे अब कंपनी का नाम आपको डालना है। चलो मैंने डाल दिया साइबोटेक एडू सर्व प्राइवेट लिमिटेड, और जो भी एड्रेस वगैरह है वो फिल करते हुए, स्टेट वगैरह चुनते हुए यहां से मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही ये कंपनी क्रिएट होगी, चूंकि ये टैली प्राइम है, तो यहां पे फीचर्स का डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने यहां पे शो मोर फीचर्स एंड शो ऑल फीचर्स को यस कर रखा है। अगर आपके सिस्टम में ये दोनों नो होगा तो आप यहां से देखोगे आपके सामने कम ऑप्शन आएगा। तो यहां से सबसे पहले आपको शो मोर फीचर्स को यस कर लेना है, और उसके बाद शो ऑल फीचर्स को भी यस कर लेना है। क्यों करना है? क्योंकि अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे कंपनी क्रिएशन के बाद आप टैली प्राइम के अंदर मेंटेन पेरोल को एक्टिव कर सकते हैं, ताकि पेरोल मैनेजमेंट आपके कंपनी में एनेबल हो जाए, एक्टिव हो जाए। तो इसके लिए आपको यहां देखो, यहां पे सबसे यहां नीचे में मेंटेन पेरोल एक ऑप्शन आ रहा है पेरोल कैटेगरी के अंदर। यहां मेंटेन पेरोल को यस करना है। जैसे ही आप यस करके इंटर प्रेस करोगे, देखो नीचे में, उसके ठीक नीचे एनेबल पेरोल स्टैचरी आ रहा है। तो फिलहाल इसे हम लोग नो करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप इम्प्लॉय के लिए भी टैक्सेशन का काम आप कर सकोगे। फिलहाल मैंने सिर्फ मेंटेन पेरोल को यस किया और यहां से कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, ताकि ये सेटिंग एक्सेप्ट हो जाए। अब जैसे ही आप ऐसा करते हो, अब देखो क्रिएट के अंदर, तो यहां पे अगर आपके सामने जो है ये शो मोर आप क्लिक करोगे, तो देखो पेरोल मास्टर्स यहां पे चला आया एक सेक्शन। जैसे अकाउंट्स मास्टर है, इन्वेंट्री मास्टर है, वैसे ही पेरोल मास्टर है, जहां पे आपके सामने जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है एम्प्लॉय कैटेगरी, जहां से आप एम्प्लॉय के कैटेगरीज को बना सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है एम्प्लॉय ग्रुप, जहां से आप एम्प्लॉय के डिफरेंट ग्रुप्स को बना सकते हो। थर्ड ऑप्शन है एम्प्लॉय, जहां से आप डिफरेंट एम्प्लॉयज को क्रिएट कर सकते हो उसके सारे डिटेल्स के साथ। फिर है यूनिट्स वर्क का, जहां पे आप यूनिट्स क्रिएट कर सकते हो, इंप्लाई जिस यूनिट में काम कर रहा होगा, जैसे मंथ हो गया, डेज हो गया, वीक हो गया। फिर आप यहां से अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप भी क्रिएट कर सकते हो, आप पेहेड क्रिएट कर सकते हो, और पेरोल वाउचर टाइप भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन चूंकि आज का जो ये वीडियो है ये दो चीजों के ऊपर है, एक है इम्प्लॉय ग्रुप कैसे आप बनाओगे और दूसरा है इम्प्लॉयज कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अगर इम्प्लॉय बनाना है, इम्प्लॉय ग्रुप बनाना है, तो इम्प्लॉय ग्रुप को बनाने के लिए आपको पेरोल मास्टर्स के अंदर इम्प्लॉय ग्रुप को सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे, देखो यहाँ सामने स्क्रीन पे इम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स आ गया है। अभी यहाँ पे सपोज आपने लिख दिया एक मैनेजमेंट, ये आप एक ग्रुप बनाना चाहते हो। यहाँ पे आपको इसको, फिलहाल तो एक ही आपके पास ग्रुप है प्राइमरी, आप सिर्फ प्राइमरी यहां सेलेक्ट करो। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आप इसके अंदर भी सब ग्रुप्स भी बना सकते हो। फिलहाल इस यहां पे प्राइमरी सेलेक्ट करना है, और देखो यहां पे डिफाइन सैलरी डिटेल्स है। अगर आपके यहां मैनेजमेंट ग्रुप के सारे स्टाफ्स का जो सैलरी है वो एक ही होता है, तो आप यहाँ यस करके उसके सैलरी डिटेल्स को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन चूंकि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसको नो कर लेते हैं और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से या इंटर प्रेस करके। चलो ये एक ग्रुप आपकी बन गई। उसी ढंग से आपके पास एक ग्रुप है सेल्स का, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स के भी कुछ लोग काम करते हैं, तो सेल्स आपको बनाना है अंडर प्राइमरी। यहाँ पे भी डिफाइन सैलरी डिटेल्स में आपको नो कर देना है, और कीबोर्ड से या तो आप कंट्रोल ए प्रेस कर दो या वाई या फिर इंटर एक्सेप्ट करने के लिए। उसी ढंग से सपोज आपके यहाँ प्रोडक्शन के भी कुछ स्टाफ्स हैं, तो आप प्रोडक्शन यहाँ लिखो, टाइप करो, और अंडर प्राइमरी डिफाइन सैलरी डिटेल्स में नो एक्सेप्ट। ओके,
इसी ढंग से अगर आप चाहो तो ऐसा कुछ कर सकते हो, क्लर्क्स एक और आपने ग्रुप बना लिया क्लर्क्स नाम का सिमिलर वे में, और इसके बाद ये आपकी देखो ग्रुप्स बन गई। अब कैसे हम लोगों को बनाना है एम्प्लॉयज, तो गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट पे आना है, यहां से चले आना है पेरोल मास्टर्स के अंदर एम्प्लॉय में। अभी आप देखो यहां पे एम्प्लॉय क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब सपोज यहां पे आप लिखते हो मोहम्मद फरदीन अंडर, तो देखो अंडर आपके पास आपने जो भी एम्प्लॉय ग्रुप्स बनाया है वो सारे एम्प्लॉय ग्रुप्स यहाँ पे अवेलेबल है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे क्लर्क्स है, मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन है, सेल्स है। आप चाहो तो यहां से भी अगर कोई ग्रुप आपका छूट गया हो तो आप यहां से भी क्रिएट कर सकते हो। तो चलो मोहम्मद फरदीन जो है वो मैनेजमेंट ग्रुप का स्टाफ है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहां पे डाल सकते हो 1 अप्रैल 2022 बाय डिफॉल्ट आ रहा है जो करंट डेट है। तो चलो यहां पे मैं अभी फिलहाल इंटरप्रेस कर देता हूं, यही डिटेल्स में रहने देता हूं। अभी यहां पे देखो डिफाइन सैलरी डिटेल्स में अगर आप यस करोगे तो यहां से आपको आप डिफाइन कर सकते हो मोहम्मद फरदीन के लिए इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का सैलरी, जो कि फिलहाल इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं, तो यहां से मैंने इसको नो कर दिया। अब यहां एम्प्लॉय नंबर है जहां पे मैंने E001 डाल दिया। डेजिग्नेशन में मान लो कि ये जो है सीनियर मैनेजर है, तो यहां पे मैंने सीनियर मैनेजर फीड कर दिया। फंक्शन इसका है मैनेजमेंट, और लोकेशन जिस लोकेशन में ये काम कर रहा है, तो सपोज ये दिल्ली में काम कर रहा है, कंपनी का एक ब्रांच दिल्ली में है या मेन ब्रांच ही है, जिस भी ब्रांच में काम कर रहा है वो लोकेशन आपको डाल देना है। जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना है मेल है या फीमेल है। डेट ऑफ बर्थ आपको फीड कर देना है, सपोज ये जो है 1 अप्रैल 2000 या 1998 इसका डेट ऑफ बर्थ है। अभी ब्लड ग्रुप में देखो आपके सामने सारे ब्लड ग्रुप्स आ रहे हैं, तो अगर आपको नहीं पता है ब्लड ग्रुप तो आप अननोन कर लो, अदरवाइज जो भी ब्लड ग्रुप है आप उस ब्लड ग्रुप से को यहाँ से सेलेक्ट करके इंटरप्रेस करो। फादर्स या मदर्स का आप नाम भी डाल सकते हो यहाँ पे, स्पाउस नेम्स डाल सकते हो, एड्रेस आप फीड कर सकते हो, फ़ोन नंबर आप दे सकते हो, ईमेल आईडी दे सकते हो। अभी यहाँ देखो प्रोवाइड बैंक डिटेल्स है, यहाँ पे अगर आप यस करते हो और इंटरप्रेस करते हो तो देखो यहाँ पे अकाउंट नंबर आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो उसने दिया होगा वो आप डाल सकते हो, IFSC कोड भी आप डाल सकते हो, जो भी है। अगर यहाँ पे गलत कोड आपने डाला तो एक वार्निंग मैसेज आएगा, चलो ये कोड मेरे पास तो फिलहाल कोड नहीं है तो मैंने ऐसे ही गलत कोड डाल दिया है, ओके। तो आप चाहो तो दोबारा वार्निंग मैसेज को इग्नोर कर सकते हो इंटरप्रेस करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी बैंक का नाम आपसे पूछ रहा है, तो सपोज ये SBI बैंक में है तो आप यहाँ न्यू बैंक को सेलेक्ट करके यहाँ से बैंक का नाम सपोज SBI ऐसा आप क्रिएट कर लो। ये इसका जो अकाउंट खुला हुआ है वो दिल्ली में खुला हुआ है। अभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टाफ को, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जो आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका बिजनेस पे करेगा वो कैसे पे करेगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चेक, ईफंड ट्रांसफर एंड अदर सारा, आप चाहो तो यहाँ शो मोर पे क्लिक करो तो डिफरेंट जो वेज है ट्रांजेक्शन का, जो टाइप्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो नॉर्मली ईफंड ट्रांसफर से पेमेंट होता है, तो मैं यहाँ पे ईफंड ट्रांसफर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही पेमेंट होगा वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे ही ऐसा किया आप देखो यहाँ पे अकाउंट नंबर जो आपने फीड किया था, जो IFSC कोड आपने डाला था, वो सारा चीज़ यहाँ पे जो है अवेलेबल होगी ऑटोमेटिकली। कंपनी का बैंक आप चाहो तो यहाँ से कंपनी का बैंक का बैलेंस दे सकते हो, फिलहाल तो मैं यहाँ से इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। फिर अब एम्प्लॉय का जो भी पैन नंबर होगा, आधार नंबर होगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा, PF अकाउंट नंबर होगा, PR अकाउंट नंबर होगा और ESI नंबर होगा, वो सारा डिटेल्स आपको 1 by 1 फीड कर लेना है। इस तरह से कंट्रोल ए फाइनली आप जब प्रेस करोगे तो ये आपने एक एम्प्लॉय बना लिया। अभी सपोज एक जैद नाम का, जैद अहमद ऐसा कोई एक स्टाफ आपके यहाँ है, एक एम्प्लॉय है, ये जो है अंडर प्रोडक्शन है, 1 अप्रैल 2022 जो फिनेंशियल ईयर का शुरुआत है उसी में इसने भी ज्वाइन किया है। अभी यहाँ पे डिफाइन सैलरी डिटेल्स को मैं नो कर देता हूँ, और सिमिलर वे में आप सारी डिटेल्स जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे भी फीड करके आप कंट्रोल ए कर दो, ये भी जो है आपका एम्प्लॉय बन गया। तो इस तरह से आपने अभी तक सीखा कि कैसे आप टैली प्राइम के अंदर एक कंपनी बनाने के बाद पेरोल को एक्टिवेट कर सकते हो, एनेबल कर सकते हो, और उसके बाद कैसे आप एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉय ग्रुप बना सकते हो और एम्प्लॉय बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी टैली प्राइम के अंदर ये दो काम,
बहुत आसानी से कर सकोगे। पहला काम इंप्लॉय ग्रुप क्रिएशन का और दूसरा काम इंप्लॉय क्रिएशन का, जहां सबसे पहले आप ये जान गए होगे कि कैसे टैली प्राइम में आप एक्टिवेट कर सकते हो पेरोल मैनेजमेंट को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि टैली से रिलेटेड जितना भी वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे, तो अपने इस चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।